हेलो नमस्कार खमा गणी संस्कार क्लास है के शे न्यू। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाएं क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए आपकी आने वाली एग्जाम BSTC उसके लिए हिंदी के 30 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए और आपके टॉपिकों को भी क्लियर कराते चलेंगे और आपको मिक्स क्वेश्चन भी देते चलेंगे जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर 30 के 30 क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट एवं सही हो सके। तो चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है उससे पहले आपको बता देते हैं। देखिए तत्सम एवं तद्भव शब्द जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम के अंदर वो हम लेकर आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इनमें से जो तद्भव शब्द है ना वो कौन सा होगा तद्भव शब्द जो? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए सूरज है ना, सूरज आप लोगों का क्या होगा आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेना है, अंगूठी का तत्सम शब्द है। देखिए अंगूठी का तत्सम शब्द कौन सा होगा आपको कमेंट जरूर करते रहना है। देखिए अंगूठी का तत्सम शब्द कौन सा होगा? देखिए अंगिष्ठिका इज द करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका अंगिष्ठिका इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से शब्द कौन सा है जिसके अंदर तत्सम नहीं है? तो देखिए कपूर होगा ना, उसके अंदर क्या होगा तत्सम नहीं होगा, बाकी के सारे के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नहर किस भाषा का शब्द है? नहर के बारे में आपको बताना है, अरबी का, तुर्की का, फारसी का, यह जगह आपका पुर्तगाली का। तो नहर शब्द होगा आपका अरबी भाषा का शब्द होगा, अरबी भाषा का शब्द होगा नहर। अगला देखो, कौन सा शब्द तत्सम है? आम्र, हाथी, घर या कुआ, कौन सा शब्द तत्सम होगा? तो बिल्कुल लाडले बच्चों, देखिये आम्र इज द राइट आंसर होगा जो कि आपका तत्सम है। अगला देखिएगा जो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयला, आश्चर्य, उज्ज्वल या जगह आपका कंटक, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का कोयला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका कोयला है। अगला देखते हैं, देखिए ढीठ शब्द का अर्थ बताइएगा, ढीठ शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा? ढीठ के बारे में पूछा गया है, दृष्ट या जगह आपका पृष्ठ, दृश्य या हो जाएगा दृष्ट, राइट आंसर बताएगा ढीठ के बारे में। देखिए दृष्ट इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आपका दृष्ट। अगला देख लेना है, देखिए आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? आराम शब्द के बारे में बताना है आप लोगों को, तो आराम शब्द आया आपकी फारसी भाषा से, आराम का मतलब करते हो हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? देखिए श्रृंगार, 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 पठार, बिल्कुल लाडले बच्चों श्रृंगार इज द राइट आंसर होगा जो कि तत्सम है वो आपका श्रृंगार होगा। और आप लोगों को अगला क्वेश्चन देख लेना, उससे पहले बता देते हैं कि लाडले बच्चों अगर आपको सफल होना है तो हम जो बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं ना उनका कंटेंट को पढ़िएगा और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगे, हर टॉपिक को भी क्लियर करा देंगे और आपके हर मिक्स क्वेश्चनों को भी करा देंगे। अगला देखिए, देखिए घोटक का तद्भव रूप कौन सा होगा? हाय होगा, अश्व होगा, घोड़ा हो जाएगा या जगह आपका तुरंग, तो सबको हो जाता है। घोटक का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, बिल्कुल याद कर लेना है कि घोटक का मतलब घोड़ा होता है। अगला देखिए, नीचे दिए गए तत्सम एवं तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म होगा त्रुटिपूर्ण है जो? ठीक है तो देखिए त्रुटिपूर्ण युग कौन सा होगा इसके बारे में, देखिए दही और दही इज द राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही कर लेना है। अगला देखिए, विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए? तुर्की से, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से, बताओ भाई कौन सी भाषा से आए? फारसी भाषा से आए, ऑप्शन नंबर सी कर लेना आपका फारसी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए खंडहर का शब्द कौन सा है? खंडहर का जो शब्द है ना उसके बारे में बताना भाई, खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो देखिए आपका खंड ग्रह इज द राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, खंडर का क्या हो जाएगा आपका खंड ग्रह। अगला देखिएगा जो, चना का तत्सम रूप कौन सा होता है? चना का देखिए चयनक होगा, चना होगा, चाणक होगा या हो जाएगा आपका चनाक होगा, जल्दी बताओ भाई आंसर क्या होगा आपका। देखिए चनक इज द करेक्ट आंसर होगा, चना का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? चनक। अगला देखिएगा, ऊन का देखिए तत्सम रूप कौन सा है?
उनका तत्सम रूप बताना है। बिल्कुल आप लोग भी कमेंट करते रहें। देखिए ऊन इज द राइट आंसर होगा आपका, ऊन जो ऊन का क्या हो जाएगा आपका ऊन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, थाली का उत्सव रूप है, बताओ जल्दी जल्दी कि थाली का तत्सम रूप कौन सा होगा। देखिए आपका स्थाली इज द राइट आंसर होगा आपका स्थाली, देखिए थाली का क्या होगा स्थाली होगा। अगला देखो, जामुन का तत्सम रूप कौन सा होगा, आप लोग कमेंट जरूर करते रहे। तो जामुन का कौन सा होगा, देखिए जम्बू, ऑप्शन नंबर सी कर लेना आप लोगों को, जामुन का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा जम्बू। अगला देखिएगा, एक तत्सम शब्द है, देखो भाई एक जो तत्सम शब्द है ना वो कौन सा होगा, वो डांकनी इज द राइट आंसर होगा, तत्सम शब्द होगा आपका डांकनी है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित सत्सम शब्द है, आप लोगों को यह बताना है इनमें से कौन सा होगा, कान होगा, जीभ होगा, मुख होगा या दांत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका मुख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए उत्सव शब्द का चयन कीजिएगा, सॉरी तत्सम शब्द का इनमें से चयन कर कर बताना है। तो देखिए विघ्राल इज द राइट आंसर होगा आपका विघ्राल, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी राइट आंसर होगा आपका विघ्राल ना, बिल्कुल। अगला देखिएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, देखिए तद्भव शब्द कौन सा नहीं होगा, देखिए श्याप है ना श्याप, ये तद्भव शब्द नहीं है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी कर लेना आपका श्याप तद्भव नहीं होगा। अगला देख लेना, देखिए तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप कौन सा होगा, ठीक है इसका आंसर देख लेना आपका, देखिए चतवाल इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, बताओ पुंजी, नैन, मूर्ख या सुकुन, बताओ क्या होगा इसका, पुंजी इज द राइट आंसर होगा, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा पुंजी, ठीक है। अगला देख लेना है, देखिए ओठ किस श्रेणी का शब्द है, ओठ के बारे में बताना है, ओठ आपका तद्भव का हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लेना तद्भव का, तत्सम का नहीं होगा। चलिए अगला देखिएगा, देशज शब्द की पहचान करें, कौन से की देशज शब्द की क्या कर रहे हैं पहचान करें, आज से चिड़िया गरम या मौजेगा आपका मजा, आंसर देख लो आपका चिड़िया, देशज शब्द की पहचान क्या करने है आपका चिड़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है, इनमें से कौन है जो तत्सम होगा, कमेंट कर करके बताओ, ऑप्शन नंबर सी, देखिए भ्रातु जया इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देखिए तत्सम है, इनमें से जो कौन सा है जो तत्सम होगा, क्षत्रिय इज द राइट आंसर होगा आपका क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर डी कर लेना आप लोगों का, क्षत्रिय इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, जो देखिए बभूत तत्सम शब्द है, भभूत के बारे में बताना, भभूत का तत्सम शब्द कौन सा होगा, भभूति होगा या भभूति होगा, भभूति होगा या हो जाएगा आपका भभूभूति होगा, इसका आंसर कर लेना आपका भभूति इज द राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, देखिए अधोलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, देखिए अधोलिखित में से जो तत्सम शब्द होगा ना वो पिटारा हो जाएगा, क्या होगा आपका पिटारा, पिटारा इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और लाडले बच्चों ये अब आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर ना आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा है ना। और भाई देखो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अचीर होगा, मयूर होगा, सफेद होगा, शीर्ष होगा, ठीक है। तो इसलिए निवेदन है थोड़ा सा डेली आपको क्लास में देखने और डेली आपको क्वेश्चनों को करना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर बता देना है, ठीक है लाडले बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी करना है। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।